ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। आप सभी भी माता रानी को रिझाने मनाने का पूर्ण प्रयत्न कर रहे होंगे। आप सभी भी माता रानी के कहीं ना कहीं आप ऐसा चाहते होंगे कि माता रानी आपको किसी न किसी माध्यम से यह संकेत दे कि आपकी पूजा संपूर्ण हुई, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। जाने अनजाने माता रानी इन संकेतों को देती भी हैं, परंतु हमारी सूक्ष्म नजरें इन चीज़ों को नहीं जान पाती है। इस वीडियो में यही जानेंगे कि दीपक में फूल बनने का अर्थ क्या है और साथ ही अन्य कौन से संकेत हैं जो नवरात्रि के दौरान मिलते हैं तो माता रानी के साक्षात स्वरूप के रूप में जाने जाते हैं और माता रानी इनसे अपने प्रसन्न होने का संकेत देती हैं। ऐसे में आप सभी भले ही कम स्वरूप में पूजा कर पा रहे हों किसी कारण से, परंतु आप किसी निर्धन जन, किसी गरीब जन की सेवा कर देते हैं या अपनी तरफ से चाहते हैं कि कुछ बहुत बेहतरीन लोगों के जीवन को जीने के लिए आप राह दिखा रहे हैं, तो यह भी एक माता रानी के साक्षात सेवा के स्वरूप में होता है। माता रानी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ओंकार के रूप में विद्यमान है और आपकी सूक्ष्म सरल सी पूजा से भी आपके सच्चे भाव सच्चे मन को देखकर प्रसन्न होती हैं। हालांकि हर एक भक्त प्रयत्न करता है कि माता रानी इन दिन जागृत अवस्था में हर घर में वास करती हैं, धरती पर विचरण करती हैं, ऐसी मान्यता है। प्रयत्न करता है मंत्र जाप ज्वारे जो माता रानी के साक्षात स्वरूप के रूप में अखंड ज्योत इत्यादि घट स्थापना और पूर्ण विधि विधान से माता रानी से संबंधित पवित्र ग्रंथों का पाठ करे और विधि विधान से माता रानी को प्रयत्न करने का जो है प्रयास करता है। माता रानी भी दर्शन देती हैं। यह दर्शन, यह जो है संकेत सामान्य नहीं है, इनका शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी सबसे पहले पूर्ण विश्वास से इन चीज़ों को ध्यान में गौर करिएगा कि अगर आपके साथ भी यह संकेत हो रहे हैं तो बहुत शुभ है। यह संकेत अपने आप में अद्भुत है। सबसे पहले जागृत अवस्था में तो प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं इन चीज़ों को नहीं समझ पाता, परंतु अवचेतन मन इन चीज़ों को समझता है। आप स्वप्न की मुद्रा में या जो है निद्रा की मुद्रा में अगर माता रानी की किसी भी स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, आप किसी ज्योतिर्लिंग माता रानी के किसी शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग तो नहीं कहेंगे, शक्तिपीठ के अगर दर्शन कर पा रहे हैं, माता वैष्णो के, माता नैना के या माता रानी के किसी भी पूर्णागिरि स्वरूप या किसी भी माता रानी के स्वरूप, माँ विंध्यवासिनी के स्वरूप के दर्शन कर पा रहे हैं, तो साक्षात माता रानी आपको दर्शन दे रही है। आपकी जो इच्छा थी अभी तक अधूरी थी या किसी कारण से आप साक्षात माता रानी के स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, माता रानी के कोई भी अंश, माता रानी के शेर के आपको दर्शन हो रहे हैं। स्वप्न के माध्यम से आपको माता रानी का स्वरूप या माता रानी का झंडा, माता रानी का त्रिशूल, माता रानी का नेत्र या माता रानी से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं या उनके विशेष किसी चीज़ को ही बस आपको स्वप्न के माध्यम से माता रानी किसी जो है शक्तिपीठ के दर्शन दे रही हैं या कोई पवित्र ग्रंथ आपको दिख रहा है पढ़ते हुए या माता रानी का कोई ज्योत इत्यादि आपको दिख रही है, तो समझ लीजिए यह बहुत शुभ है। साक्षात माता रानी स्वप्न में आपको दर्शन दे रही हैं। आपने देखा होगा प्राचीनतम समय से ही ऋषि मुनि जो विशेष व्यक्ति होते हैं, आज भी कलयुग में कई व्यक्तियों को स्वप्न आता है कि माता रानी की मूर्ति यहाँ पर है और माता रानी की जो है यहाँ पर कुछ ऐसी मंदिर बनेगा, जिसके आधार पर यह चीज़ें आज भी सत्य होती हैं। वह विशिष्ट प्राणी होते हैं जिनके पिछले जन्म के कर्म इतने सुदृढ़ होते हैं या इस जन्म में तन मन धन से माँ की सेवा में लगे हैं, और यह बात सत्य भी होती है। जमीन के अंदर से मूर्ति प्राप्त होती है या जो है उस स्थान पर कुछ ऐसे दिव्य अंश उन्हें प्राप्त होते हैं। तो अगर इन नवरात्रियों में आप सभी को भी माता रानी के किसी भी साक्षात स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं तो माता रानी को प्रणाम करें, धन्यवाद करें और निरंतर अपनी भक्ति के मार्ग पर अग्रसर रहें, जीवन सार्थक हो जाना है। सरल सा कार्य है, सरल जो है बात है, परंतु इसके लाभ अद्भुत है और कई लोग इन चीज़ों को महसूस करते हैं। अगर आप सभी को भी यह चीज़ें महसूस हो रही हैं ना, तो अत्यधिक शुभ है, बहुत पवित्र है। माता रानी प्रसन्न है आपकी भक्ति सच्चे भाव सच्चे मन से। यह प्रथम संकेत सबसे प्रामाणिक संकेत माना जाता है। इसके बाद बारी आती है दीपक में फूल। अब दीपक में फूल भी आप सभी को किस स्वरूप में, जब दीपक प्रज्वलित होता हुआ आपको दिख रहा है और उसके अंदर साक्षात सुंदर स्वरूप में कोई चीज़ आपको दिख रही है, यह नहीं कि दीपक पूर्ण रूप से ठंडा हो गया या उसमें कुछ भी इस तरह का नहीं, जब दीपक प्रज्वलित हो रहा है उसके अंदर आपको कोई आकृति दिख रही है, वह दीपक में फूल माना जाता है। उस दीपक में फूल में आपको माता रानी के त्रिशूल, नेत्र, माता रानी के स्वयं जो है
उस ज्योत के अंदर आपको माता रानी के कोई भी अंश दिख रहे हैं जो माता रानी से संबंधित है या स्वयं माता रानी की आकृति सी बन रही है जब जलते हुए दीपक के अंदर, तो इसे दीपक में फूल कहा जाता है। इसे दीपक में फूल का साक्षात स्वयं अंश कहा जाता है जो माता रानी के सुंदर स्वरूप के रूप में कहा जाता है। अगर इन दिनों आपने अखंड ज्योत जला रखी है या साधारण सरल तरीके से आप मात्र दीपक ही प्रज्वलित कर रहे हैं, परंतु वह दीपक कहीं अन्यत्र नहीं सिर्फ माता रानी के नाम का जो है आप दीपक जला रहे हैं, और दीपक के अंदर लौ के अंदर प्रज्वलित होता हुआ साफ स्पष्ट कोई स्वरूप दिख रहा है तो साक्षात माता रानी का स्वरूप है। भले ही पिंडी स्वरूप हो या माता रानी के कोई शक्तिपीठ का स्वरूप हो या माता रानी का कोई अंश हो, तो प्रणाम करें, धन्यवाद करें और माँ से प्रार्थना करें। कहीं ना कहीं माँ अब आपके कष्टों का निवारण करेंगी। कोई दुख तकलीफ है, कोई परेशानी है जो लंबे समय से अटकी पड़ी है, आप निरंतर उसके लिए प्रयासरत हैं, दवाई इत्यादि भी चल रही है, परंतु आप माता रानी पर विश्वास कर रहे हैं, अपने आध्यात्मिक कर्म को निर्वाह कर रहे हैं। भौतिक कर्म तो आप निर्वाह कर ही रहे हैं, परंतु अपने आध्यात्मिक जीवन को भी अग्रसर कर रहे हैं, तो अति शुभ है। मंत्र जाप फलित होंगे, पूजा पाठ भी सफल होगा और जीवन निरंतर सार्थक होने वाला है। आप सभी को यह सरल सा उत्तम संकेत सबसे प्रिय मिल रहा है तो अति उत्तम है, प्रसन्न हो जाइए। अब माता रानी प्रसन्न है आपके छोटे से भी काम से, अति शुभ से कहा जाता है। यह हो गई सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य की। इसके अलावा आप सभी की ऐसी अनुभूति हो रही है कि आप अन्य दिनों नवरात्रि के अलावा अन्य दिनों एक निश्चित समय पर आपकी नींद नहीं खुलती थी, परंतु इन दिनों आप सभी की एक विशेष समय पर ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जा रही है। कोई दिव्य शक्ति आपको इस तरह से आपके मन मस्तिष्क पर प्रभाव कर रही है कि ठीक इसी समय पर आपको उठना है और आपको अपने माता रानी के लिए समय निकालना है। तो यह भी साक्षात माता रानी आपको दिव्य कार्य के लिए चुन रही है, अत्यधिक सुप्ता के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही माता रानी की पूजा आराधना करते समय माता रानी को देखते हुए आंखों में एक अलग ही आंसू आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या माता रानी को देखकर आपके चेहरे पर कहीं दिव्य ज्योत के दर्शन करने जा रहे हैं या साक्षात माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, माता रानी को देखकर आपके नेत्रों में आपके अश्रुशी धारा आ रही है या आंखें नम हो जा रही हैं या बबल्स जिसे माफ़ कीजिए जिसे रोंगटे कहा जाता है वह उठते या ठंड का सा एहसास होता है माता रानी को देखकर ही, और चेहरे पर एक तेजस्व सा आपके माता रानी के ओज से हो जाता है। तो यह साक्षात माता रानी के शुभ संकेत इसे कहा जाता है, बहुत सुंदर है, अति विशिष्ट इसे कहा जाता है। साथ ही नवरात्रि में कोई आपको बहुत प्रेम से नारियल देकर जाता है, माता रानी के सुहाग की सामग्री चुन्नी इत्यादि देकर जा रहा है, कोई ऐसी विशिष्ट महिला के आपको दर्शन होते हैं जो अपने आप में आपको माता रानी के अंश के रूप में दिखाई दे रही है, और साथ ही कुछ ऐसी महिला या कोई कोई ऐसी कन्या आपको दर्शन दे रही है, तो यह माता रानी के साक्षात स्वरूप के रूप में कहीं ना कहीं माता रानी के अंश के रूप में जानी जाती है। माता रानी स्वयं तो आप सभी हम सभी की इतनी क्षमता नहीं है कि हम साक्षात खुली आंखों से माता रानी के दर्शन कर पाए, परंतु माता रानी किसी न किसी माध्यम को भेजती हैं, किसी न किसी स्वरूप को अपने भेजती हैं, किसी न किसी अंश को भेजती हैं ताकि हम सभी उनके दर्शन कर पाए और वह हमारे कार्य बनते हुए हमें दिखा पाए या वह उस तरह से कार्य बनता हुआ दिख पाए। इस तरह से यह जानकारी थी। मुझे आशा है, उम्मीद है आप सभी भी इन बातों से सहमत होंगे। हो सकता है आपके जो है एहसास माता रानी के प्रति ऐसे हों, या माता रानी की महिमा है जिसे सिर्फ माता रानी ही समझ सकती है। माता रानी अपने भक्त की किस स्वरूप में परीक्षा लेंगी या उसे किस स्वरूप में अपने दर्शन देंगी या किस माध्यम को वह चुनती हैं, किस स्वरूप में इसके कार्य बनाती हैं, यह है माता रानी की असीम महिमा है, माता रानी ही जाने। आप सभी भी इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी या हर हर महादेव, जय आदिशक्ति जरूर से लिखिएगा, जय कालका जरूर से लिखिएगा, जय माता दी हर हर महादेव।